मैं आप लोगों को हिल जर्नी दिखाऊंगा। इन ये जो पहाड़ है, सूखे पहाड़ हैं बिल्कुल, तो इनका व्यू आज को दिखाऊंगा मैं फुल जर्नी जो है। ये पीछे मून देखिए कितना गजब लुक लग रहा है। और ये हम लोग पहाड़ में चढ़े हैं, पहाड़ सूखे हैं, हरी भरी घास कुछ खास है नहीं इसमें, ऑलमोस्ट सूखे हैं पूरे। और ट्रैकिंग करना आसान नहीं है गाइस, बहुत दम चाहिए ट्रैकिंग करने में। ये कुछ दोस्तों के संग फन मस्ती चल रही है और गजब का व्यू देखा आपने, सनसेट भी हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा ही पहाड़ी एरिया है और मैं थोड़ी देर बाद आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, समंदर का व्यू बहुत ही गजब लगता है। ओ खजूर, फिर दूसरा आदमी लूट लेगा, चल। ओ ठीक है खजूर। आज हवा कुछ खास चल नहीं रही थी, हवा अगर चलती और मज़ा आता, फिर भी बहुत काफ़ी मज़ा आया इधर। इस बीच में मैंने मुंशी वाले का सॉन्ग भी गाया है, अपने भाई का, सिद्धू भाई का। ये सूखी घास है, देखिए थोड़ा सा बीच बीच में कहीं कहीं देखने को मिलती है। ये आप दूर का व्यू देख पा रहे हैं, ये आपका पेड़ लगे हुए हैं, किस चीज़ के हैं, ये अपना खजूर होते हैं, उसके पेड़ लगे हैं। अभी दूर है, पास जाके भी दिखाता हूँ, रुकिए। ये मेरे दोस्त है साथ में और ये मैं हूँ। ये देखिए खजूर, कुछ खास हाइट नहीं है फिर भी अच्छे खजूर लगे इसमें। वैसे एक चीज़ नहीं अच्छी पता चली है मेरे को कि जो खजूर का पेड़ होता है इसको काफ़ी टाइम लग जाता है पूरा प्रॉपर होने में, तो इसके लिए बीच बीच में काट देते हैं इसको, पेड़ की टहनियों को, ताकि कि जल्दी ये ग्रोथ कर सके। ये चीज़ मेरे को नहीं पता चली है। ये देखिए हाइट देखिए कुछ खास नहीं है और खजूर फिर भी गजब है, बहुत ही मीठे खजूर हैं वाले। मैंने तो खाया है एक नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा खाया है, जैसे पेट गर्म हो जाता है, फिर भी मैंने खाया है पेट भर भर के। औसम। और ये व्यू देख पा रहे हैं पीछे का, कितना ही गजब है, बल्ले बल्ले। चलिए आगे का व्यू भी दिखाता हूँ, पूरी जर्नी दिखाता हूँ आज की मेरी, डे से लेकर नाइट तक की। ये पीछे देख पा रहे हैं थोड़े बहुत घर हैं पीछे बैकग्राउंड में। लगोटिया यार है, बस लगोट नहीं चेंज किया लेकिन लगोटिया यार है, चल डन कर दे। थोड़ा फंक्शन भी चाहिए। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ और ये ऊपर से नीचे का व्यू है। थक गया भाई, थक गया। ओ आई जो ये देख पा रहे हैं समंदर का व्यू, बहुत ही गजब है। हालांकि ये फ़ोन में पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट जो मैंने अपने रियल आँखों से देखा है उसका नज़ारा ही कुछ अलग है। एक तो पहाड़, पहाड़ के ऊपर से जो व्यू आता है, औसम व्यू है यहाँ से। थक गया गाइस पूरा, यहाँ पे चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर। लेकिन एक चीज़ है, अगर डेली डेली आते हैं मान लो दो चार दिन, तो शरीर काफ़ी फिट रहता है इससे, ये चीज़ अच्छी है। बस थोड़ा थकावट तो होगी होगी, काफ़ी टाइम बाद चढ़ा हूँ पहाड़ों पे ऐसे। ये बैकग्राउंड देखिए, बहुत ही औसम व्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा व्यू था जब मैं ऊपर गया था यहाँ पे। कुछ अलग आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरा दोस्त हम लोग से भी काफ़ी ऊपर चढ़ गया, एकदम टॉप पे, बस थोड़ा सा मुंडी उसका दिख रहा है। हम लोग के टेंटें फिस हो गई यहीं पे, इसलिए हम लोग यहीं स्टे कर गए। और एक मेरा दूसरा दोस्त जो पहले थक गया वो वहीं रुक गया, हम लोग तो फिर भी मीटिंग में पहुँच गए। और ये वाला टॉप एकदम जो किंग है, त्रम का इक्का,
और ये नाइट का व्यू है। नाइट का व्यू मतलब भी रात हो रही है धीरे धीरे करके, सनसेट हो रहा है, तो देखिए काफ़ी गजब का व्यू है। अभी भी ये देखिए सनसेट हो रहा है, ऐसा व्यू बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये नेचर बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बस इंजॉय करना चाहिए नेचर को। ये पूरा ही समंदर है ये देखिए, और बीच में पहाड़ है। मेरे कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं है, फिर भी जितना व्यू कैप्चर हो सका उतना किया।